हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं दीपिका फिर से आप सबके सामने आई हूँ, आप सबकी डिमांड पर आप सबकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर के। आई होप कि आप सबको मेरी ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आएगी। और अगर आप सबकी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व होती है, मेरी वीडियो आप सबको पसंद आती है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे आप लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं, उसे दबा दें, ये बिल्कुल फ्री है। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरे आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में हमें क्या मिलने वाला है। आई थिंक कि आपको इससे काफी हद तक हेल्प मिल गई होगी। फ्रेंड्स, मैं आपकी तीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। एक है हमारी चॉकलेट्स मेल्ट होती हैं, दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है कि हम चॉकलेट्स सेल कैसे करें, और तीसरी जो हमारी प्रॉब्लम है वो है कि हम चॉकलेट्स की कॉस्टिंग कैसे निकालें। ये तीनों ही प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़ी हैं, मैंने भी फेस की हैं, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसे कोई गारंटीड वो ना मान के चले, बट कुछ चीज़ों के लिए मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, उससे टिप्स कुछ दे रही हूँ, कुछ ट्रिक्स ऐसे दे रही हूँ जिससे आपकी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में कि हमारी चॉकलेट मेल्ट क्यों होती है। तो पहला सबसे बड़ा पॉइंट, हमारी चॉकलेट्स का मेल्ट होना। आप मार्केट से चॉकलेट खरीदते हैं, वो चॉकलेट्स भी मेल्ट होती हैं, आपने उसकी पैकिंग देखी है, वो पूरा एयर टाइट पैक होता है, उसमें कहीं से भी कोई एयर पास नहीं होता है, फिर भी वो चॉकलेट्स मेल्ट होती हैं। रूम टेम्परेचर में वो जो चॉकलेट्स हैं वो नॉर्मल रहती हैं, बट जैसे ही रूम टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, डेयरी मिल्क या मिल्की बार भी अंदर ही अंदर पूरा मेल्ट हो जाता है। या बच्चे अगर उसे बहुत देर तक हाथ में पकड़ कर रखते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो डेयरी मिल्क चॉकलेट हम बच्चों को खिलाते हैं, फाइव स्टार देते हैं, कैरमल फिलिंग की चॉकलेट देती है, कई तरह की चॉकलेट्स आती हैं, वो चॉकलेट उनके हाथ में पोने पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो चॉकलेट्स हैं, जो कंपाउंड से चॉकलेट्स हम बनाते हैं या जो कोको पाउडर से हम चॉकलेट्स बनाते हैं, उसमें होता है बटर। जो कंपाउंड हम खरीदते हैं उसमें होता है कोको बटर, और जब आप कोको पाउडर वगैरह से बनाते हैं या मिल्क पाउडर से चॉकलेट बनाते हैं, तो उसमें होता है घर का ऐड किया हुआ बटर। हम नॉर्मली अमूल बटर वगैरह ऐड करते हैं या हम उसमें कोकोनट ऑयल ऐड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेल्ट होने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट है हमारी चॉकलेट का। तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसे डालेंगे नहीं, डालना तो आपको है ही, बट आप उसे मेल्ट होने से रोक सकते हैं। कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ जिससे ये चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप जब भी कंपाउंड या किसी चीज़ से चॉकलेट बनाते हैं, तो आप उसका एक्सपायरी ज़रूर चेक करें। 12 महीने की एक्सपायरी डेट हमको चॉकलेट कंपाउंड्स में मिलती है, उससे ज़्यादा की अगर चॉकलेट्स आपके पास पड़ी हुई है, साल भर से ज़्यादा हो गया है, तो आप अवॉइड करें वैसी चॉकलेट को यूज़ करना। इससे आपके टेस्ट में भी प्रॉब्लम आ सकती है चॉकलेट के, उसमें वाइट धब्बे आ सकते हैं, उसमें कीड़े भी निकल सकते हैं। रिसेंटली मेरी एक चॉकलेट में इस तरह की प्रॉब्लम आई थी फ्रेंड्स, मैंने भी ये चीज़ नहीं ध्यान दिया था, क्योंकि मैंने बल्क में चॉकलेट्स मंगाई थी और उसमें एक कंपाउंड ऐसा था जो एक्सपायरी डेट से बाहर का था, और उसके चॉकलेट जो बनी थी वाइट कंपाउंड का ये चॉकलेट था। मेरी एक स्टूडेंट हैं, उनको वो चॉकलेट मिला था, और जनरली उन्होंने मुझे पर्सनली ये शेयर किया कि मैम इसमें वर्म्स हैं। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बट ऐसा होता है, इसलिए आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि आपकी चॉकलेट बिना एक्सपायरी की हो। सेकंड, आपको ये ध्यान देना है कि आप जब चॉकलेट बना रहे हैं तो उसको फ्रीज़र में आपको सेट नहीं करना है, आपको उसे सिर्फ फ्रिज में सेट करना है या फिर रूम टेम्परेचर में। जिनके पास फ्रिज नहीं है वो उसे रूम टेम्परेचर में सेट कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर में सेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बट वो बहुत अच्छे से सेट होती है। तीसरी प्रॉब्लम, अगर आप उसको डबल बॉयलर मैथड यूज़ कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि डबल बॉयलर मैथड यूज़ करते समय थोड़ा भी वेपर या जो गर्म पानी है वो उस चॉकलेट में ना जाए, नहीं तो आपकी चॉकलेट बहुत अच्छे से मेल्ट जमेगी नहीं और वो मेल्ट हो सकती है। या फिर आप मोल्ड में जब इस चीज़ को डाल रहे हैं, चॉकलेट सेट करने के लिए मोल्ड में जब आप डालते हैं, तो मोल्ड को जब आप वॉश करते हैं तो वो बहुत अच्छे से ड्राई भी करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा भी वाटर का ड्रॉप वो आपके चॉकलेट में आ जाएगा, और उस जगह पर चॉकलेट अच्छे से सेट नहीं होगी, जो बाद में मेल्ट होने का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। इसके अलावा
इसमें क्योंकि बटर होता है तो डैम श्योर कि गर्मी में चॉकलेट्स काफ़ी मेल्ट होती हैं। ठंड में यही चीज़ बहुत कम फेस करना पड़ता है हमको चॉकलेट से रिलेटेड। इवन जो भी चॉकलेट का बिजनेस कर रहे हैं उन सभी को ये प्रॉब्लम सेव करनी होती है। तो आप उसे अच्छे से बटर पेपर से पैक करें, फॉइल से अच्छे से रैप करें ताकि उसमें बिल्कुल भी बाहर का एयर पास ना हो। और उसे आप स्टोर करने का काफ़ी अच्छा मेथड, काफ़ी अच्छी वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर की है। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी भी है। नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप काफ़ी हद तक आपकी चॉकलेट्स को मेल्ट होने से बचा सकते हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स कि हम चॉकलेट सेल कैसे करें। मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। मैंने अचानक से स्टार्ट किया अपना बिजनेस, जस्ट मैंने सोचा कि क्यों ना चॉकलेट्स बनाई जाए। हैंडमेड चॉकलेट्स बहुत पसंद की जाती हैं दिवाली में। तो 2 साल पहले मैंने ये काम शुरू किया और बस बहुत सारा सामान उठा करके ले आया। मैंने अलग अलग फ्लेवर की चॉकलेट्स बना दी जिससे रिलेटेड वीडियो जिसमें 90,000 प्लस व्यू जा चुका है आप सबकी दुआ से। वो मेरे चॉकलेट की पहली वीडियो थी जो मैंने शेयर की थी आप सबके साथ, जिसमें मैंने कई तरह के चॉकलेट्स बनाए थे। एंड होपफुली मतलब गॉड लक बोल सकते हैं कि मेरा सर्कल, ग्रुप सर्कल और मेरे हस्बैंड का ग्रुप सर्कल इतना अच्छा था जिसकी वजह से वो चॉकलेट्स काफ़ी अच्छी जो है मार्केट में सेल हो पाई थी। इनके ग्रुप सर्कल में काफ़ी ज़्यादा वो पसंद किया गया था तो काफ़ी अच्छा मेरा उस समय बिजनेस ग्रो किया था। बहुत ज़्यादा बेनिफिट मुझे उस समय नहीं मिला था, 2,000 प्लस बेनिफिट ही मुझे उस पर मिल पाया था। बट ये था कि मेरी जितनी कॉस्टिंग थी वो कॉस्टिंग मेरी निकल गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना हर साल दिवाली में इस तरह का काम शुरू किया जाए। बट प्रॉब्लम आती है कि हम उसे सेल कैसे करें। तो सेल करने का सबसे अच्छा जो माध्यम है वो है आपका कॉन्टैक्ट सर्कल, आपके फ्रेंड सर्कल्स, आपके रिलेटिव्स और आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आपका ग्रुप कितना बड़ा है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, पिनिंटरेस्ट हो, बैकस्टकाटक हो, यूट्यूब हो, जीमेल हो, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने इस चीज़ को प्रमोट करें। आप बताएं कि आप हैंडमेड चॉकलेट्स बनाते हैं, हैंडमेड चॉकलेट्स की क्या क्वालिटी होती है, उसका टेस्ट कैसा है, कितने डिफरेंट फ्लेवर्स आप दे रहे हैं, उसकी प्राइसिंग आप कैसे रखते हैं, कितने अच्छे आप उसको डेकोरेट करते हैं, चाहे वो हैम्पर में दें, आप उसको बुके में दें या चॉकलेट बॉक्सेस में दें, अलग अलग तरीके से आप उसे जार्स, छोटे छोटे जार्स मिलते हैं मार्केट में, ग्लास के जार्स मिलते हैं, आप उसमें भी अलग अलग तरीके से चॉकलेट्स बना करके सिंगल फ्लेवर या मिक्स फ्लेवर की छोटी छोटी हार्ट शेप चॉकलेट्स बना करके पैक करके उस तरह के हैम्पर्स आप रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ों को आप प्रमोट करें, आप बताएं, फेसबुक में आप ये शेयर करें, आप व्हाट्सएप ग्रुप काफ़ी बड़ा होता है आजकल, लोगों का व्हाट्सएप का एक बिजनेस ग्रुप बनाए, उस पर आप लोगों को शेयर करें, आप उसकी प्राइसिंग शेयर करें। प्राइसिंग के बारे में मैं आपसे ज़रूर आगे बात करूंगी और लास्ट में आपको एक छोटी सी टिप ज़रूर देखूंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल ना भूलें। तो ये जो सेलिंग का प्रोसेस है इसमें आपको काफ़ी हद तक माउथ पब्लिसिटी यूज़ करनी है, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है किसी भी चीज़ के प्रमोशन के लिए। आप एक पैम्पलेट बनवा सकते हैं लेकिन पैम्पलेट उतना लोग नहीं पढ़ना पसंद करते कि न्यूज़पेपर के बीच में वो आता है, कई बार वो उसे फेंक देते हैं। आप एक बड़ा बैनर तो इसके लिए बनवाएंगे नहीं क्योंकि आप छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए है माउथ पब्लिसिटी का। साथ ही बर्थडे होता है बच्चों का, आप उसमें रिटर्न गिफ्ट के लिए आप ये चॉकलेट्स बना करके रख सकते हैं। हैंडमेड आप बार्स बना सकते हैं, बाउंटी बार्स बना सकते हैं, क्रिस्पी फ्लेवर्स के उस डिफरेंट चॉकलेट्स बना सकते हैं, नट्स बना सकते हैं, या कोई पनाटा का एक वो बना सकते हैं और उसके अंदर आप बच्चों के साथ गेम करवा करके पनाटा का जो चॉकलेट होता है, पनाटा हार्ट शेप का चॉकलेट होता है, राउंड शेप आता है, बहुत शेप के पनाटाज आप बना सकते हैं। उसके अंदर छोटे छोटे खूब सारे चॉकलेट्स आप हैंडमेड बना दें और बच्चों को बर्थडे के दिन ये गेम खिलवाएं कि उसको जब बेबी तोड़ेगा तो उसके अंदर जो चॉकलेट्स मिलेंगे वो सबको एक एक करके सर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो इससे जब बच्चे खाएंगे, आप बड़ों के साथ भी ये गेम कर सकते हैं, एनिवर्सरी हो गया, किटीज हो गया, इस तरह का करके, तो वो जब चॉकलेट को टेस्ट करेंगे तो उनको वो चॉकलेट्स अच्छी लगेंगी और जब अच्छी लगेंगी तो आप उन्हें बता सकते हैं कि ये आपके हैंडमेड चॉकलेट्स हैं, आपने घर पे बनाई हैं, आपका एक फर्म है, आपको कभी भी चॉकलेट एज गिफ्ट किसी को देना हो तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको रिजनेबल प्राइस में वो चीज़ मिलेगी और मार्केट से अच्छे टेस्ट में भी मिलेगी। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं
आप किसी के बर्थडे में जा रहे हैं, आप किसी की एनिवर्सरी में जा रहे हैं, एंगेजमेंट में जा रहे हैं, आजकल ट्रेंड है चॉकलेट गिफ्ट करने का, तो आप अपनी बनाई हुई चॉकलेट फंक्शन के अकॉर्डिंग उसे थीम वाइज बनाएं और थीम वाइज उस तरह को पैक भी करें, और पैक करने के बाद आप उसे गिफ्ट करें। गिफ्ट करने के बाद अगर उनको चॉकलेट्स पसंद आती हैं या आप चाहें उसमें एक छोटा सा थैंक यू का नोट के साथ अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर आप उस पर डाल दें, क्योंकि जनरली आप उन्हीं के फंक्शन में जाएंगे जो आपके पहचान के हैं, बट अगर किसी और के पास ये चीज़ जा रही है तो आप उसमें छोटा सा एक थैंक यू का टैग और आपके फर्म का नाम भी नीचे डाल दें, जैसे कि हम मार्केट से भी खरीदते हैं, चाहे नेस्ले की चॉकलेट हो चाहे पार्ले का कुछ भी हो, तो उसका एक फर्म का नाम उस पर होता है, तो आप अपने फर्म का नाम डाल के देख सकते हैं, दे सकते हैं कि अगर उनको वो चॉकलेट पसंद आएगी तो वो आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोसेस है सेल करने के लिए, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा बट आप ये चीज़ कंटिन्यू करते रहें। तो इसी तरीके से मैंने भी किया, किसी के बर्थडे में कभी अपनी बनाई हुई चॉकलेट्स दी, दिवाली में जब चॉकलेट्स, जैसे दिवाली में अगर आपकी चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा सेल नहीं हुई, कुछ चॉकलेट्स बच गई, तो आप दिवाली में लोगों को अपनी तरफ से गिफ्ट एज गिफ्ट ये चॉकलेट दिया, आप किसी को स्वीट ना दे करके आप अपनी तरफ से ट्रेंड चलाएं, एक नया ट्रेंड आप यूज़ करें, और जब नया ट्रेंड अच्छा लगता है लोगों को तो लोग उसको लेना पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, जो बिकता है वो बिकता है वाला थीम आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर आपके साथ पॉसिबल है, आपके घर में कोई ऐसी जगह है, तो आप एक छोटा सा काउंटर डालें जहाँ आप छोटा सा डिस्प्ले जैसा भी रख सकते हैं, जो दिवाली टू न्यू ईयर, वैलेंटाइन के लिए, क्रिसमस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर अभी तक आप लोगों ने चॉकलेट का बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है और करना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है, ये पीक सीजन होता है किसी को गिफ्ट देने के लिए। क्रिसमस में लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, दिवाली में एक दूसरे को गिफ्ट दिया जाता है, न्यू ईयर में हम लोगों को कार्ड्स देते हैं, तो आप कार्ड्स के साथ छोटी छोटी बार्स बना सकते हैं, छोटे छोटे डिफरेंट हैप्पी न्यू ईयर के टैग के आप चॉकलेट्स बना सकते हैं और वो आप लोगों को कार्ड्स के साथ या न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए गिफ्ट कर सकते हैं। वैलेंटाइन डे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, फरवरी में आ रहा है, फेब में आ रहा है, जो हर साल आता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि इसका एक पीक सीज़न होता है, किसी भी काम का एक पीक सीज़न होता है। जैसे पेंट वालों का आप देखिए कि उनका साल भर कोई बहुत ज़्यादा जो बिज़नेस है वो नहीं अच्छा चलता, लेकिन जब दशहरा से दिवाली तक का सीज़न होता है तो वो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, क्योंकि हर कोई अपने घर को पेंट कराना चाहता है, हर कोई इस दीवार में वॉलपेपर्स तो टेक्सचर्स तो कर्टेंस, ये फर्निशिंग वालों का भी बहुत ज़्यादा चलता है, तो ये इसी तरह से आपका भी जो चॉकलेट का बिज़नेस, हमारा जो चॉकलेट का बिज़नेस है वो उसका भी एक पीक टाइम होता है। ऐसे हर ओकेजन में बेकरी के गुड्स, बेकरी के केक्स वगैरह लोग गिफ्ट करते हैं, जैसे केक का भी एक ट्रेंड पहले नहीं था बट आज के डेट पे केक का ऐसा ट्रेंड है कि एक बंदा भी फर्स्ट टाइम अगर आपके घर आया है या बेबी है, बेबी गर्ल है या बेबी बॉय, जैसे बेबी शावर केक हो गया, तो ये सारे फंक्शंस में हम केक्स वगैरह जो है ऑर्डर करते हैं। एज इट इज सेम बिल्कुल आप इसी तरह से चॉकलेट्स का भी काम कर सकते हैं। किसी के बर्थडे के लिए अगर आपकी बेकरी शॉप है, आप बेकरी का काम करती हैं या करते हैं, तो आप अपने केक्स के साथ छोटी छोटी चॉकलेट्स गिफ्ट कर सकते हैं, पर फ्री में आप उनको ये दे सकते हैं कि ये हमारी फर्म में ये नया एक क्रिएशन आया है, हम चॉकलेट का भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपको चॉकलेट का बिज़नेस पसंद आता है, हमारा टेस्ट करके देखिए, आप चॉकलेट आपको पसंद आती है चॉकलेट, तो आप हमसे इसको परचेस कर सकते हैं। अलग अलग थीम वाइज आप चॉकलेट उनको सजेस्ट करें, जैसे बच्चों के लिए स्कूल से रिलेटेड चॉकलेट्स बनाएं, पेंसिल चॉकलेट्स बनाएं, दिया चॉकलेट बनाएं दिवाली के लिए, न्यू ईयर के लिए न्यू ईयर थीम से रिलेटेड चॉकलेट्स क्रिएट करें, वैलेंटाइन से रिलेटेड चॉकलेट्स क्रिएट करें, तो ये डिफरेंट डिफरेंट थीम बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है आज की डेट पर, हर कोई एक थीम चाहता है। हेलोवीन चॉकलेट्स आप बना सकते हैं, तो बहुत तरह की चॉकलेट्स, अभी रिसेंटली मैंने जो चॉकलेट का आपको एक वीडियो शेयर किया है, सांता फेस का जो मैंने चॉकलेट बनाया था, उसका मैंने एक कपकेक क्रिएट किया के लिए, तो वो वीडियो भी मैंने आप सबके साथ शेयर किया था, तो उसका लिंक भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। तो ये सारे तरीके हैं छोटे छोटे जिसपे आपको थोड़ा सा वर्क करना होगा। एक बार अगर आपका चॉकलेट नहीं सेल हुआ, दो बार नहीं हुआ, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी भी काम को आप रेगुलर करें। अगर आप 2 साल कर रहे हैं, 3 साल कर रहे हैं और उसके बाद अगर आप छोड़ देते हैं तो आपकी उतने साल की मेहनत भी बर्बाद हुई और कोई मतलब भी नहीं निकला, आपकी इमेज भी एक तरह की सही नहीं गई कि अरे आपने 2 साल ये काम किया फिर आपने छोड़ दिया फिर आप कुछ और कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा रेगुलर भी रहें। बाकी तो लक पे देखिए डिपेंड करता है, लेकिन काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें हमारी मेहनत पर डिपेंड करती हैं। अगर हमारी मेहनत सही तरीके से सही वे पर है तो एक दिन के बाद इसका अच्छा रिजल्ट हमको ज़रूर मिलेगा। तो चॉकलेट का जो सेलिंग है, जो चॉकलेट सेल करने का तरीका है, वो आप अलग अलग आइडियाज़ के साथ दे सकते हैं।
इसके बाद जब बात आती है फ्रेंड्स, वो है हमारी मेन थीम चॉकलेट कॉस्टिंग की। चॉकलेट कॉस्टिंग हम कैसे निकालें, बहुत टफ होता है कि डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हमने एक बॉक्स में रखे हैं। 18 पीस का कैविटी बॉक्स है, 12 पीस का है, 24 पीस का है, 36 पीस का है, 6 पीस का कैविटी बॉक्स हमने रखा है, एक जैसे फ्लेवर भी बनाए हैं, अलग अलग शेप्स की चॉकलेट बनाई है, थीम वाइज चॉकलेट बनाई है, तो आपको सबकी कॉस्टिंग अलग रखनी है। आप सबकी कॉस्टिंग एक नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप सबकी कॉस्टिंग एक रखेंगे तो बंदा आपसे किसी भी तरह की चॉकलेट लेकर के जा सकता है और आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखिए कि चॉकलेट के बिजनेस में हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, कमाई लिया बहुत अच्छा, बट इसमें मार्जिन बहुत कम है। अगर आप 15 रुपये का चॉकलेट है तो आप उसमें 16 रुपये 17 रुपये ही रख सकते हैं, 1 से 2 रुपये ही आप उसकी मार्जिन लेकर के चल सकते हैं, बहुत ज़्यादा मार्जिन आप इस पर नहीं रख सकते। नेक्स्ट जो चीज़ होती है चॉकलेट कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग का ये पार्ट आप बहुत अच्छे से ध्यान दें कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी चीज़ मिस की तो आपको ये वीडियो फिर पूरी देखनी होगी। मैं भी नहीं चाहती कि आप बार बार इतनी लंबी वीडियो देखें, सॉरी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो रही है, बट मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स में इतने क्वेश्चंस बार बार सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने चाहा कि क्यों ना आपके उन क्वेश्चंस को लेकर के पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन निकालूं, ताकि बार बार मेरे को कमेंट बॉक्स में उस तरह के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ना देने पड़े। कमेंट बॉक्स में मुझे आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, कॉस्टिंग के लिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। मान लीजिए आपने 12 चॉकलेट की कैविटी का एक बॉक्स लिया। अब 12 चॉकलेट की कैविटी का एक बॉक्स का कॉस्टिंग आपको निकालना है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपने उस 12 चॉकलेट को क्रिएट करने के लिए कितना मटेरियल यूज़ किया। मान लीजिए 12 चॉकलेट क्रिएट करने के लिए आपको लगता है 200 ग्राम ऑफ चॉकलेट, हमारे पास 400 ग्राम का चॉकलेट का कंपाउंड होता है या फिर 500 ग्राम का चॉकलेट कंपाउंड होता है। 200 ग्राम का चॉकलेट कंपाउंड आपने जो 400 ग्राम का कंपाउंड यूज़ किया था उसका जस्ट हाफ आप प्राइसिंग उसके लिए निकाल लें। मान लीजिए आपका जो वाइट चॉकलेट कंपाउंड है वो 360 रुपये का है, अभी उसकी प्राइसिंग रेट चेंज हो चुकी है। 360 रुपये का आपका 2M का वाइट चॉकलेट कंपाउंड है, आपने उसको यूज़ किया। मैंने 500 ग्राम की यहाँ बात की है, क्योंकि मैंने जो इस बार यूज़ किया था वो 500 ग्राम का कंपाउंड लिया था। 500 ग्राम के कंपाउंड में मैंने 250 ग्राम का चॉकलेट यूज़ किया, मीन्स 360 का जस्ट आप वहाँ पर हाफ कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो हाफ प्राइस होगी 180 रुपीज़, आई थिंक मैंने सही कहा, 180 रुपीज़ जो चॉकलेट का प्राइस है वो है 180 रुपीज़। अब इस 180 रुपीज़ में अगर आपने कोई कलर यूज़ किया है, कोई एसेंस यूज़ किया है, नट्स यूज़ किए हैं, फ्रूट्स यूज़ किए हैं, या कोई क्रंच यूज़ किया है, जो भी चीज़ें आपने यूज़ की हैं उसकी एक एक लिस्ट निकाल लीजिए। लिस्ट निकाल के आप उसकी भी प्राइसिंग लिख लीजिए। 180 रुपीज़ का आपका चॉकलेट हो गया। आपने मान लीजिए 40 रुपीज़ का एक, जैसे मैंने प्रिंटेड चॉकलेट का बनाया था, तो प्रिंटेड चॉकलेट की प्राइसिंग मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। मैंने एक ट्रे लिया था, उस ट्रे में 16 पीस ऑफ चॉकलेट्स थे। 16 पीस ऑफ चॉकलेट्स में 8 चॉकलेट डार्क कंपाउंड के थे, 8 चॉकलेट वाइट कंपाउंड के थे। ये सारे पान फ्लेवर्स के थे। उसमें 2 फ्लेवर मैंने डाला था, एक पाइनएप्पल फ्लेवर था और एक पान फ्लेवर का कंपाउंड मैंने यूज़ किया था। जो डार्क कंपाउंड था वो पाइनएप्पल फ्लेवर का था, और जो वाइट कंपाउंड का चॉकलेट मैंने यूज़ किया था वो पान फ्लेवर का था। दोनों ही प्रिंटेड थी। इसमें 3 तरह के प्रिंटेड शीट्स मैंने यूज़ की थी, तो तीनों प्रिंटेड शीट्स की, एक प्रिंटेड शीट की कॉस्टिंग मुझे पड़ी थी 40 रुपीज़, और एक प्रिंटेड शीट A4 साइज़ का था, तो उसमें मेरी आराम से जो चॉकलेट्स बनकर रेडी हुई थी वो थी, जहाँ तक मुझे ध्यान है, 20 या 22 चॉकलेट मेरी बनकर रेडी हुई थी एक प्रिंटेड शीट से। तो अब आप देखिएगा, वहाँ पे मैंने 16 पीस ऑफ चॉकलेट डाला। 16 पीस ऑफ चॉकलेट की कॉस्टिंग पहले आप निकालें, डार्क कंपाउंड की और वाइट कंपाउंड की। वाइट कंपाउंड में मैंने यूज़ किया 180 रुपीज़। 500 ग्राम का 250 ग्राम मैंने यूज़ किया, 500 ग्राम से 250 ग्राम से मेरी बन गई टोटल 20 चॉकलेट। इस 20 चॉकलेट में मेरी एक प्रिंटेड शीट यूज़ हो गई, ठीक है। अब एक प्रिंटेड शीट यूज़ की प्लस पान का मसाला यूज़ किया। मैंने 100 ग्राम का पान का मसाला यूज़ किया था, जिसमें 50 ग्राम पान का मसाला मैंने उस चॉकलेट में ऐड किया था। तो अगर पान का मसाला मुझे 100 रुपये पड़ा, तो 50 रुपीज़ उसका, प्लस मैंने एसेंस तो आप कॉस्टिंग एक मिनट के लिए ना ही जोड़े तो बेटर होगा, क्योंकि एसेंस हम बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं करते, फिर भी आप चाहें जोड़ सकते हैं। 40 रुपीज़ की मेरी शीट, 50 + 40 = 90 रुपीज़, प्लस मैंने यहाँ पे 180 रुपीज़ का चॉकलेट यूज़ किया। 180 + 50, ये हो गया हमारा 230 रुपीज़। इसके बाद 40 रुपीज़ की मेरी एक शीट पड़ी,
तो 230 + 40 270 रुपये, 270 रुपये की मेरी 8 चॉकलेट्स जो है, मेरी 20 चॉकलेट्स 270 रुपये की पड़ी। 20 में से मैंने 8 चॉकलेट मेरे इस ट्रे में अरेंज की थी वाइट वाली, एज इट इज 8 चॉकलेट मैंने डार्क वाली अरेंज की थी। तो ये 180 पड़ा। तो जस्ट जो डार्क कंपाउंड है, डार्क कंपाउंड थोड़ा सस्ता होता है, वो मुझे इस बार मिला था 220 रुपये का। तो 220 रुपये के हिसाब से वो 8 चॉकलेट भी मेरी 20 बनी, 250 ग्राम चॉकलेट में से। उसमें भी मुझे सेम कॉस्टिंग पड़ी, बट चॉकलेट का प्राइस थोड़ा कम हो गया क्योंकि ये 220 पड़ा था। तो 220 के हिसाब से मुझे 110 रुपये इसकी चॉकलेट का कंपाउंड का पड़ा, 110 मेरा का इसका पड़ा, प्लस इसमें 40 रुपीज़ मैं फिर से शीट काउंट कर रही हूँ। 40 रुपीज़ शीट के बाद मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल फ्लेवर लिया था, पाइनएप्पल की जो फिलिंग थी वो 150 रुपीज़ का मुझे पड़ा था 200 ग्राम। तो 150 रुपीज़ में से मैंने पूरा तो यूज़ नहीं किया 200 ग्राम में, उसमें अप्रॉक्स 50 to 60 ग्राम चॉकलेट पाइनएप्पल की फिलिंग मेरी यूज़ हुई। तो आप उसकी कॉस्टिंग निकालें, एक अप्रॉक्स ले लें, 200 ग्राम में मेरी 50 ग्राम ही यूज़ हुई मान लीजिए, तो वो 150 का था, तो 150 का फोर्थ अमाउंट आप उसका निकालें। और ये इस तरह से आप एक करके कैलकुलेट कर लें। एक मिनट के लिए मानिए कि मेरी 270 रुपये की चॉकलेट तो 20 चॉकलेट बनकर रेडी हुई थी, तो 270 को मैं पहले 20 से डिवाइड करूँगी। 270 को जब आप 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है एक चॉकलेट का कॉस्टिंग निकल जाएगा। अब हमारी एक चॉकलेट की कॉस्टिंग निकली है 13 रुपीज़। 13 रुपीज़ की मैंने वहाँ पे टोटल 8 चॉकलेट्स डाली थी, 13 × 8 कर लीजिए आपका ये इसका प्राइसिंग निकल जाएगा। सेम इसी तरह जो है हम जो चॉकलेट की कॉस्टिंग निकालेंगे वो डार्क कंपाउंड की, क्योंकि डार्क कंपाउंड का कॉस्टिंग अप्रॉक्स मान के चली जो मुझे पड़ा था 110 उसका था, प्लस 35 रुपीज़ के आसपास मैंने फिलिंग यूज़ की थी, 40 रुपीज़ का मैंने शीट यूज़ किया था, तो अप्रॉक्स ये 185 या 190 रुपीज़ के आसपास मेरे को डार्क कंपाउंड का पड़ा था 20 पीस का। तो इसी तरह से मैं उसके 8 पीस का काउंटिंग निकालूंगी, तो वो 8 पीस की जो काउंटिंग होगी अप्रॉक्स मेरे को 9-9.5 रुपये के आसपास की एक चॉकलेट पड़ी। अब मैंने वहाँ पे टोटल 16 चॉकलेट्स डाली, जिसमें वाइट कंपाउंड का मैंने डाला था 13 रुपीज़ का एक चॉकलेट पड़ा, वो मैंने वहाँ पे 8 पीस डाला, 8 पीस मैंने डार्क कंपाउंड का डाला। ये दोनों का कैलकुलेशन आप पहले जोड़ के निकाल लेंगे, प्लस अब आप उसको बॉक्स को देखेंगे, बॉक्स में आप कैसे उसको अरेंज कर रहे हैं। जैसे मैंने कैविटी ट्रे लिया था वो मुझे 75 रुपीज़ का पड़ा था, तो चॉकलेट की दोनों चॉकलेट की कॉस्टिंग प्लस ट्रे की कॉस्टिंग ये हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद मैंने उसकी पैकिंग को काउंट किया, मैंने वहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लगाया था वो मैंने पूरा एक रोल लिया था, बल्क में मुझे ये रोल मिला था, तो ये रोल मैंने यहाँ पे यूज़ किया था सीधा, मुझे 20 मीटर का ये रोल मैंने यहाँ लिया था। तो वो पूरा रोल तो आपको यूज़ होना नहीं है, अप्रॉक्स आधा मीटर 1 मीटर नहीं यूज़ होता है, तो आप उसके हिसाब से उसकी प्राइसिंग निकालें, उसका एक टैग जो आप लगा रहे हैं आपके फर्म का, थैंक यू का टैग, रिबन, इन सारी चीज़ों को एक एक करके आप कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के बाद आप सारी चीज़ों का एक टोटल अमाउंट निकालें, अप्रॉक्स 540-560 या मतलब इस आसपास आपका जो है कॉस्टिंग उसका आ जाएगा। मेरे को ये जो पूरा बॉक्स था वो पड़ा था 540 रुपीज़ के आसपास, और प्लस 20 रुपीज़ मैंने इसका मार्जिन लेकर के अपने क्लाइंट को ये दिया था। इसकी 8 बॉक्सेस रेडी हुए थे, 8 ट्रे मेरी रेडी हुई थी, जिसमें अलग अलग लोगों के पास ही चॉकलेट गई थी। अगर एक ही के पास जाती तो बल्क में मैं इसको उनकी प्राइसिंग और कम कर देती, मैं उनको प्लस मेरा मार्जिन सिर्फ 12-15 रुपये रखती और बाकी मैं उनको 5 रुपीज़ और माइनस करती, बट ये हर किसी के पास अलग अलग गया था, तो मैंने सेम रेट पे ही सबको ये चीज़ प्रोवाइड कराया था। तो इस तरीके से आपको चॉकलेट की कॉस्टिंग निकालनी है। आपको पहले बल्क की सारी चीज़ों को एक एस्टिमेशन बना करके उसको नोट डाउन कर लेना है, उसके बाद आपने किस किस तरह के फ्लेवर्स की क्या चॉकलेट्स बनाई हैं और उसके बॉक्स के साथ आप कैसे पैक किए हैं, तब आप उस बॉक्स के अकॉर्डिंग उसकी कॉस्टिंग निकालें, या फिर आप टोटल अमाउंट जो आपने अभी तक खर्च किया है वो निकालें और टोटल आपने कितनी चॉकलेट्स प्रिपेयर कर ली हैं, आप उसके हिसाब से अपना बेनिफिट निकाल सकते हैं कि हमने टोटल इतना खर्च किया और हमें उसका टोटल बेनिफिट इतना मिला। बट जो प्राइस है एक एक पीस का या बॉक्स का, वो आप इस तरीके से निकालें, आपने उसमें क्या क्या चीज़ें कितनी यूज़ की हैं उसके अकॉर्डिंग एक लमसम, मैं एक एक्यूरेट आपको नहीं बोल रही, आप एक लमसम प्राइस निकालें, और लमसम प्राइस में आप 10 से 12 रुपए या 15 रुपए तक अपनी मार्जिन लेकर के चले, मैक्सिमम 20 रुपए तक की मार्जिन आप लेकर के चले, और उसके अकॉर्डिंग अपने क्लाइंट्स को या फिर कस्टमर को वो चीज़ प्रोवाइड करें। पैकिंग किस तरह से की जाती है ये मैंने ऑलरेडी आप सबके साथ शेयर किया हुआ है। अब जो लास्ट टिप है वो मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मार्केटिंग फंडा बता रही हूँ, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। फ्रेंड्स, ये किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। आपको क्या करना है, अगर आपको चॉकलेट सेल करनी है, आपकी चॉकलेट सेल नहीं हो रही,
ये बंडा किसी को नहीं बताना, मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपकी चॉकलेट सेल नहीं हो रही, आप एक कपड़े दुकान का एग्जांपल ले लें, मान लीजिए उसने कोई एक कपड़े का प्राइस रखा है, एक कुर्ती का प्राइस रखा है 2000 रुपये। हम जब उसके दुख शॉप पे जाते हैं, हमको वो कुर्ती पसंद आती है, हम उस कुर्ती को 2000 ले लेते हैं। लेकिन आफ्टर दिवाली या आफ्टर होली एक सेल चलता है और हमको उसी के साथ वही एक कुर्ती या उसी के साथ एक दूसरी कुर्ती फ्री में मिल रही होती है उसी प्राइस पे, 2000 रुपीज़ में एक के साथ एक फ्री 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 फ्री। बट हम खुद ही मन में, अरे यार हमने ये कुर्ती उस समय 2000 रुपये में ली थी, आज हमको उसके साथ एक कुर्ती फ्री मिल रही, काश ही उस समय मिला होता या काश आज मैंने नहीं लिया होता तो मैं आज ये कुर्ती फिर से ले लेती। तो हम क्या करते हैं, एक के साथ एक फ्री के चक्कर में हम वो चीज़ लेने जाते हैं। बट आप खुद सोचिए, क्या कोई भी चीज़ मार्केट में दुनिया में फ्री है? नहीं। एक बच्चे का आना तक तो इस दुनिया में फ्री नहीं है फ्रेंड्स। तो फिर कोई दुकानदार जब वो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में बैठा है तो वो हमको कोई चीज़ फ्री क्यों देगा? ना तो हम उसके रिलेटिव हैं, ना हम उसके फ्रेंड सर्कल में हैं, तो वो हमको कोई चीज़ फ्री क्यों देगा? होता क्या है, वो जिस बजट में उसने जिस जितना खर्च करके उस कुर्ती को लाया था, उसने ऑलरेडी उसकी एक MRP निकाल चुकी है। वो MRP में वो कभी नहीं सेल करते। अगर उसने वो कुर्सी 600 में लाई थी तो उसने मार्केट के लिए उसको 1000 रुपीज़ रख लिया था। बट उसने देखा कि इस कुर्ती की डिमांड बहुत ज़्यादा है, एक कुर्ती निकालते साथ लोगों को पसंद आ रही है बहुत ज़्यादा। तो उसने क्या किया, बिना कुछ सोचे ही, आपको नहीं बताएगा बट वो उससे पहले ही उसने उसका प्राइस तय कर लिया 2000 रुपीज़। उसने भले मन में सोचा होगा कि ठीक है 600 रुपये की कुर्ती है, 800 रुपये की कुर्ती है, हम इतने तक में सेल कर लेंगे, 200 रुपये मेरा मार्जिन बचेगा। बट उसको देखा कि ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है तो उसने उसकी MRP पहले ही रेट एक टैग लगा दिया कि ये 2000 रुपये की कुर्ती है। उसने अपने शॉप का जो ब्रांड है ना, ब्रांड नेम जो होता है, जो ग्लास की हम शॉप देखते हैं जब हम एंटर करते हैं तो बिल्कुल AC की हवा हमको मिलती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने उसकी MRP रख दी। अब MRP उसने 2000 रुपीज़ रख दी। बट जब उस कुछ समय के बाद उसने देखा कि अब या तो लॉकडाउन का समय है या फिर एक ऐसा सीज़न है जब बहुत ज़्यादा मार्केट में रश नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा अभी मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, कम भीड़ हो रही है, बट अब हमें तो माल निकालना है क्योंकि हम ला कर रखे, अब हम आज कल के डेट पे न्यू ईयर आने वाला है तो हमको उससे रिलेटेड चीज़ें लानी है, तो हमको पुराना स्टॉक हटाना होगा। तो वो एक सेल चलाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो 2000 की कुर्ती थी उसने ऑलरेडी उसमें 1000 रुपीज़ बढ़ा कर रखा है, आप ये ध्यान रखेंगे, उसने अपना मार्जिन के बाद 1000 रुपीज़ ऑलरेडी प्लस रखा है, तो वो ऑलरेडी उसको बढ़ा कर रखता है, तो उसके साथ उसको कोई एक चीज़ 400 रुपये 600 रुपये की कुर्ती देने में कोई लॉस नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, उस 2000 के साथ एक दूसरी कुर्ती, उसका एक काउंटर रेडी कर देते हैं कि इसमें से आप कोई भी कुर्ती सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका आपको फ्री है, ये आपको फ्री में मिलने वाली है, इसका आपको कोई पैसा नहीं देना। और हम खुश हो जाते हैं कि यार हमने ये कुर्ती उस समय 2000 में ली थी, आज उसी कुर्ती के साथ हमको ये कुर्ती फ्री में मिल रही है, और हम उस फ्री के चक्कर में फिर से 2000 खर्च करते हैं कि वाओ इसके साथ हमें ये फ्री मिला। बट क्या ऐसा है, बट ये स्ट्रैटेजी आप अपने भी मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि अभी चॉकलेट्स का सीज़न नहीं है, आपको पता है कि अभी बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड में नहीं है, बट आपका चॉकलेट बिजनेस साल भर आपको करना है और आपने चॉकलेट्स बना कर रखी हैं, तो आप भी फ्री दे सकते हैं। एक के साथ आपको एक चॉकलेट फ्री दे दे, आप बच्चों को चॉकलेट्स फ्री दे सकते हैं। फ्रेंड्स सॉरी, मेरा बीबी उड़ गया था। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप इस तरह से वर्किंग करें। अगर आप भी किसी को कुछ थोड़ा सा फ्री देंगे तो वो ज़रूर आपके पास लेना पसंद करेंगे कि यार हमको केक के साथ चॉकलेट फ्री मिल रही है, या हमें एक बड़े बॉक्स के साथ एक छोटा बॉक्स फ्री मिल रहा है, या हमें एक चॉकलेट के साथ एक छोटी सी गिफ्ट फ्री मिल रही है। तो इस तरह से भी आप मार्केटिंग का स्ट्रेटजी या मार्केटिंग का फंडा यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स नीचे है जिस पे आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं। आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर आपको व्हाट्सएप नंबर नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से चेक करें, जिसमें मैंने जो मटेरियल्स मैं यूज़ करती हूँ, जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करती हूँ उसका लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, मेरी रेसिपीज़ की लिंक आपको उसमें मिलेगी, मेरी सोशल साइट्स की लिंक मिलेगी, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक चीज़ और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे किसी भी रेसिपी को देख करके कोई रेसिपी क्रिएट करते हैं या बनाते हैं तो मुझे आप उस रेसिपी की पिक इंस्टाग्राम पर @chefddb के नाम से
जरूर टैग करें। मैं फिर मिलूंगी आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी क्रिसमस।